देश में लगातार हो रहे एक के बाद एक बलात्कार को रोकने और बहु बेटियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए युवाओं ने फतेहपुर में कैंडल मार्च निकाला और श्रद्धांजलि दी। पूरे देश में बहन बेटियों पर लगातार हो रहे बलात्कार, गैंगरेप, हत्या जैसे जघन्य अपराधों को कम करने, पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने हेतु कुर्मी क्षत्रिय महासभा उत्तर प्रदेश सामाजिक कार्यकर्ता के साथ व्यापार मंडल द्वारा फतेहपुर जिले के धाता थाना अंतर्गत दीप नारायण तिराहे पर कैंडल मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि जहां एक ओर केंद्र और राज्य सरकारों की उदासीनता के कारण पूरे देश में अराजकता का माहौल बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ सामाजिक संगठन सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार पूंजीपतियों, गुंडा, बलात्कारियों को सांसद, विधायकों और मंत्रियों के द्वारा सहयोग प्रदान कर रही हैं, जिसके चलते देश की जनता में दहशत का माहौल व्याप्त है। एक ओर केंद्र और राज्य सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने का ढोंग कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर देश के जनप्रतिनिधि सदस्य बलात्कार जैसे अपराध में स्वयं संलिप्त होकर पूरे देश को शर्मसार कर रहे हैं। पहले वो चारों आरोपी जेल से छूट के आए और उसके बाद उन्होंने उस लड़की को जला कर मार डाला। मतलब हमारे देश में बेटी और कोई भी सुरक्षित नहीं है, ना ही कानून भी सुरक्षित है। और दूसरी तरफ देखिए सरकार को कि तेलंगाना में दूसरी तरफ उनको 7 दिन के अंदर तुरंत एनकाउंटर करके उनको इंसाफ मिल गया और उन्नाव में देखिए योगी सरकार अभी सो भी रही है और ना ही वो पकड़े गए हैं और ना ही इंसाफ मिला है। और मैं इसके द्वारा सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग शांति तरीके से कैंडल मार्च निकाले हैं, अगर जल्द ही उस लड़की को न्याय नहीं मिला तो हम लोग आक्रोशित आंदोलन करेंगे और यह हाथा में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में होगा और इसकी जिम्मेदारी योगी सरकार जी को लेनी पड़ेगी। इसीलिए मैं सभी की तरफ से मैं योगी सरकार से निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द उस रेप पीड़िता को न्याय मिले और उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं यही आपके धाता कौसाम्बी दोनों जिला के बॉर्डर से। तो आपका जो कैंडल मार्च आज निकाला गया है कि इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है गाँव में जो रेप कांड हुआ है उसको जला के मार दिया गया है, उसको न्याय दिलाने के लिए। हम लोग ये चाह रहे हैं, ये हमारी धाता की जनता चाह रही है, धाता की जनता है नहीं पूरा ये उत्तर प्रदेश और पूरा देश चाह रहा है कि जैसे हरियाणा को हैदराबाद में जो निर्णय जैसे लिया गया कि तुरंत उसको इनकाउंटर कर दिया गया, हम चाह रहे हैं कि यहाँ या तो फांसी में लटकाया जाए, सरेआम फांसी में लटकाया जाना चाहिए, जिससे कि जो ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो राजनीतिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो ये ऐसे से जैसे कांड करने में कतराएँ, डरें और सहम जाएँ, किसी की हिम्मत ना पड़े कि हम ऐसे अगर ये कैंडल मार्च के बाद भी अगर मामला मतलब अपराधियों को सजा नहीं दी जाती है तब आप क्या करेंगे? थोड़ा नारा लगवा देना। इन लोगों अपराधियों को कोई सजा नहीं दी जा रही है तो हम लोग इसको व्यापक रूप में धरना रखेंगे। हो सकता है कि व्यापक रूप में हम धरना प्रदर्शन करेंगे जितनी जल्दी से न्याय से मिल सके। नौ रे पीड़िता को न्याय दो, न्याय दो। नौ रे पीड़िता को न्याय दो, न्याय दो। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो। मैं विजय सिंह विधायक, हजगड़ी पल्लावा मेरा गांव है, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छात्र नेता हूँ। मेरा नाम अखंड प्रताप सिंह है, बहुत रहने वाला, मैं धाता ब्लॉक से रहने वाला, ग्राम गुड़वा पर। कौन से पद पर आप कार्यरत? मैं युवा जिला महासचिव पद पर कार्यरत हूँ। तो ये जो आप लोगों के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया है, क्या है पूरा मामला बताओ? ये हैदराबाद में अभी कांड हुआ था, बलात्कार तत्काल प्रभाव को 7 दिनों के अंदर न्याय किया और उन्नाव बेटी को जो जमानत से छूट के आए और उनको दौड़ा कर जला दिया गया। उस पर भी हम लोग चाहते हैं कि भी